नमस्कार फ्रेंड्स, जीके पी स्टॉक ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, बात करेंगे आज आईटी सेक्टर के स्टॉक के बारे में। एंड दोस्तों, आईटी सेक्टर के जिस स्टॉक की हम बात कर रहे हैं वो है आपका एचसीएल टेक्नोलॉजी। दोस्तों, एचसीएल टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो आज लगभग 4.5% की जंप दिखाई है। और दोस्तों, मैं पहले भी आपको बता रहा था कि ये बहुत ही शानदार स्टॉक है, इसमें बिल्कुल बाई करके चले तो ये रैली दिखाएगा। एंड दोस्तों, आज भी इसने अच्छी खासी जंप यहाँ पर दिखाई है। एंड फ्रेंड्स, रिजल्ट कल अगर हम बात करें, कल जो आईटी सेक्टर की कंपनी है, अगर टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया एंड विप्रो हो गया, इनके रिजल्ट कल आ रहे हैं। एंड अगर एचसीएल टेक का अगर जो क्वार्टर थ्री का जो रिजल्ट है वो आएगा 14 जनवरी को। लेकिन दोस्तों, वो रिजल्ट से पहले ही इस कंपनी ने अच्छी खासी यहाँ पर जम दिखाना शुरू कर दी है, क्योंकि दोस्तों बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अगर इसका चार्ट पैटर्न 6 महीने का भी आप देख ले तो 37% के रिटर्न दिए हैं। एक साल में बात करेंगे तो 26% के अच्छे खासे डिसेंट रिटर्न है। 5 साल की बात करेंगे तो 216% के रिटर्न दिए। मैक्सिमम बात करेंगे तो 99% मतलब 1000% के रिटर्न कंपनी ने दिए। तो दोस्तों, स्लोली स्लोली लेकिन एक बहुत ही अच्छे तरीके से चार्ट पैटर्न इसका अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। इसके खबर की भी बात करेंगे दोस्तों, तो एक जो खबर आ रही है कि जो एचसीएल टेक्नोलॉजी ने अभी कुछ समय पहले यहाँ पर हम देखेंगे जो एक्वायर किया था, एचसीएल टेक ने जो लगभग 51% स्टेक जो कि जर्मन आईटी कंपनी जीबीएस है उसमें उसने हिस्सेदारी लगभग 51% हिस्सेदारी जो खरीदी थी उसके उसने शेयर एक्वायर करने की प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी खबर है। एंड साथ ही साथ इसका जो क्वार्टर थ्री के रिजल्ट की भी बात करेंगे तो वो भी बहुत ही अच्छे होने की उम्मीद हमको लग रही है कि अच्छे इसके क्वार्टर थ्री के रिजल्ट रहेंगे। जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कंपनी क्वार्टर थ्री में विप्रो एचसीएल टेक इनसे कि अच्छा खासा इंटरिम डिविडेंड भी ये अनाउंस कर सकती है दोस्तों। एंड मेरा ये कहना है कि इस कंपनी को अगर आप चाहते हैं बिल्कुल इसको बाय करके चले, बहुत ही अच्छा स्टॉक है। एंड आईटी सेक्टर्स में मतलब अगर टीसीएस इन्फोसिस के बात करेंगे तो मेरे से अकॉर्डिंग टू एचसीएल टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छा है। एंड अभी भी इसमें बहुत ही अच्छी हमको उम्मीद है, संभावना है कि बहुत अच्छे से आगे ग्रो करेगा और अच्छे से आगे बढ़ेगा ये स्टॉक। और यहाँ एक और जो खबर है कि जो कंसल्टेंसी का जो बिजनेस है, कंसल्टेंसी बिजनेस में भी ये कंपनी अपना मतलब यहाँ पर आगे बढ़ने वाली है, यहाँ पर अपने इस मतलब जो है उसकी तरफ भी ये मूव करती जा रही है। जैसे कि एसेंचर जो है कंसल्टेंसी के बिजनेस में उतर गई है, तो ये आईटी कंपनीज भी कंसल्टेंसी का बिजनेस जिस हिसाब से आगे के समय से ग्रो करने वाला है उसको देखते हुए भी उसमें अपने आप को उतारने के लिए तैयारी चालू कर दी है इन कंपनियों ने भी। फ्रेंड्स, एचसीएल टेक की बात करेंगे तो इसका लगभग 3.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, 2 रुपये फेस वैल्यू है। एंड इसका अगर ईपीएस देखेंगे तो 42.51 इसका ईपीएस चल रहा है। एंड जो इसका पी रेशो चल रहा है वो 31 के आसपास इसका पी चल रहा है दोस्तों। तो एक अच्छी रेंज में यहाँ पर हमको बाइंग जोन में यहाँ पर एक कंपनी हमको देखने को मिल रही है। तो बिल्कुल अगर जो भी बाय करना चाहता है उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है इसको बाय करने के लिए। लेकिन मेरा ये कहना है दोस्तों, लॉन्ग टर्म आपका नज़रिया होना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टर है तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म, मैं ट्रेडर के लिए वीडियो यहाँ पर नहीं बनाता हूँ, ट्रेडिंग के हिसाब से मेरा यहाँ पर बनाने का कोई उद्देश्य नहीं। लॉन्ग टर्म नहीं हो सके तो आपको बहुत ही अच्छा आगे रिटर्न जरूर ये कंपनी निकाल कर देगी। तो मेरा वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड दोस्तों, देखते क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कंपनी का कैसा आता है तो उसका एनालिसिस मैं आपको बताऊँगा। धन्यवाद दोस्तों।